नमस्कार, ओपन अप बिजनेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ फ्लिपकार्ट की सक्सेस स्टोरी। फ्लिपकार्ट इंडिया की एक लीडिंग ई कॉमर्स कंपनी है, जिस पर घर बैठे ऑनलाइन हम कुछ भी खरीद सकते हैं, और ये इंडिया की टॉप सक्सेसफुल कंपनीज में से एक है। फ्लिपकार्ट की शुरुआत 2007 में की गई थी, जब इंडिया में ई कॉमर्स इंडस्ट्री अपने पैर जमाना शुरू कर रही थी। फ्लिपकार्ट कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, लेकिन इसके हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में है। फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन बंसल और बिनी बंसल है, जो कि पहले amazon.com के लिए काम करते थे। उसी दौरान उनके दिमाग में इंडिया में एक ई कॉमर्स कंपनी स्टार्ट करने का आइडिया आया। सचिन बंसल और बिनी बंसल दोनों ही IIT दिल्ली के स्टूडेंट रहे हैं और दोनों ही चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करने के लिए Amazon कंपनी छोड़ दी थी। शुरुआत में फ्लिपकार्ट पर केवल बुक्स ही बेची जाती थी, लेकिन धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ और वाइड वैरायटीज की चीजें बेची जाने लगी। फ्लिपकार्ट इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री में एक आकर्षक तरीके से उभरी। जैसे जैसे फ्लिपकार्ट ग्रोथ करती गई, वैसे वैसे इसके लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स बढ़ने लगे। फ्लिपकार्ट ने इन्वेस्टर्स के विश्वास को कायम रखते हुए कमाल का प्रदर्शन किया। 2008 और 9 में करीब 40 मिलियन रुपए की टोटल सेल की, और अगले साल ये बढ़कर 200 मिलियन रुपए हो गई। जिस दौरान फ्लिपकार्ट की शुरुआत हुई थी, उस टाइम पर किसी भी ई कॉमर्स कंपनी को दो बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। पहली डिफिकल्टी थी ऑनलाइन पेमेंट की। बहुत सारे लोग ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहते थे और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सेटअप करने में दिक्कत आ रही थी। इसीलिए फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया। फ्लिपकार्ट पहले ऐसी कंपनी थी जिसने पेमेंट के लिए कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन लॉन्च किया था, और आज की डेट में सभी इंडियन ई कॉमर्स कंपनीज इस पेमेंट ऑप्शन का इस्तेमाल करती है। दूसरी प्रॉब्लम सभी चीज़ों को टाइम पर डिलीवर करने की थी। सामान को टाइम पर डिलीवर करना भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि एक ई कॉमर्स कंपनी की सक्सेस को निश्चित करता है। फ्लिपकार्ट ने इस समस्या का समाधान किया अपना खुद का सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च करके, जिससे प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने में आसानी हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आप भी फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आशा करती हूँ आपको ये सक्सेस स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग स्टोरीज और इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहे ओपन अप बिजनेस के साथ। डाउनलोड करें ओपन अप ऐप, इंडिया का बिजनेस सोशल नेटवर्क।